हम इस चैप्टर में मेनली 40 इयर्स का डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे उन्हीं तीन सेक्टर्स का वही एग्रीकल्चर वही इंडस्ट्री वही फॉरेन ट्रेड बट कौन से पीरियड नाइनटीन से नाइनटीन वाले पीरियड में तो ध्यान से समझ के चलना कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्लास इलेवेंथ में भी आपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कोई भी इकोनॉमी हो तीन प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएं कितनी क्वांटिटी में बनाएं हाउ टू प्रोड्यूस कौन सी टेक्निक यूज करके बनाए दो टेक्निक्स होती हैं लेबर इंटेंसिव जिसमें ज्यादा लेबर होती है कम मशीनें होती हैं कैपिटल इंटेंसिव जिसमें ज्यादा मशीनें होती हैं कम लेबर होती है तो कौन सी टेक्निक यूज करके बनाए एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं यानी मेरा टारगेट मार्केट क्या है मैं किसको फोकस करके प्रोडक्ट बना रहा हूं तो इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस अरेंजमेंट से सॉल्व करा जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं. कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम बताई दिया वॉट टू प्रोड्यूस क्या बनाए कितनी क्वांटिटी में बनाए हाउ टू प्रोड्यूस कौन सी टेक्निकल आई टी लेबर इंटेंसिव सीआईटी कैपिटल इंटेंसिव एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब क्या मेरी टारगेट मार्केट है मैं रिच को टारगेट कर रहा हूँ पुअर को टारगेट कर रहा हूँ मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा हूँ बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ ओल्ड वंस को टारगेट कर रहा हूँ यूथ को टारगेट कर रहा हूँ फीमेल वेयर बना रहा हूं मैंस वेयर बना रहा हूं शूज बना रहा हूं क्या मेरी टारगेट मार्केट है ये इसमें आपको ध्यान देना होता है अब देखो कितने प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में या आप बोल सकते हो कोई भी इकोनॉमी इनमें से कोई भी सिस्टम चूज कर सकती है कुछ इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट अपने पास मेजर कंट्रोल रखता है कुछ इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दिया जाता है और कुछ इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश के जैसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है और पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है मतलब कि प्राइवेट ऑन्टरप्रेनोर्स प्राइवेट बिजनेसमैन वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दिया जाता है यानी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करता है सरकार का, का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी ज्यादा रोल मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन पे डेवलपमेंट पे प्राइवेट सेक्टर निभाएगा ऐसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी बोला जाता है एक ऐसी इकॉनॉमी जिसमें मेजर रोल गवर्नमेंट निभाएगी यानी सब कुछ सरकार के हाथ में गवर्नमेंट बोलती है सब हम करेंगे हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं करना सोशलिस्ट इकॉनॉमी ऐसा इकोनॉमी जो मिक्स मिलजुल के काम करेगा इंडिया जैसा इकॉनॉमी मिक्सड इकॉनॉमी क्या लिखा है अ कैपिटलिस्ट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर सोशलिस्ट इज द वन इकॉनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट मिक्स इकॉनॉमी जिसमें दोनों मिलकर करते हैं इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लिया सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी उनको जचा नहीं कुछ तो उन्होंने कहा इंडिया तो दोनों के ही बेस्ट फीचर्स निकाल लेगा और मिक्स इकोनॉमी सिस्टम यूज करेगा ठीक है जी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है सर व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग तो देखो अब हम 1947 में आजाद हो गए जब 1947 में आजाद हो गए तो देश की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी तो किस तरीके से प्लानिंग करी जाए क्या हम लेके चलें आ,

इसके बारे में क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक इकोनॉमिक बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ अथॉरिटी यानी कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो पावर हो ऑन द बेसिस ऑफ अ अम्प्रीहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमी होल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था जिसमें यह कहा गया था कि मेजर जो रोल है वो पब्लिक सेक्टर निभाएगा गवर्नमेंट निभाएगी और उसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें मेजर रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करा गया कि आप भी पार्टिसिपेट करो आप भी साथ दो टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप अ बॉडी और उस बॉडी का नाम क्या रखा गया प्लानिंग कमीशन ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन 1950 में ये सेटअप हुआ जिसका काम था मेजर डिसीजन मेकिंग करना हमारे देश के लिए विद द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन और चेयरमैन किसको रखा गया कि प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले चेयरमैन यहाँ पे मतलब कि जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर को रखा जाएगा बट उस टाइम पे नेहरू जी के साथ साथ जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वहां पे इकोनॉमिस्ट को भी कंट्रीब्यूट करना था वहां पे जो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते थे जिनको इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे से समझ थी सारी चीजें जानते थे उनको भी कंट्रीब्यूट करना था तो हमारे यहाँ पे एक जनरल सेंस में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको चेयरपर्सन चेयरमैन माना जाता है बट फर्स्ट जो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बनाए उनका नाम था प्रोफेसर ये याद रखना पहले प्रोफेसर मेहलानोबेस द पर्पज ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली असेस प्लानिंग कमीशन का क्या पर्पज था अच्छे से असेस करना चेक करना हमारे ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज सर ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स हमारी लेबर हमारे लोग फिजिकल रिसोर्सेज हमारी मशीनरी कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड टू प्रिपेयर प्लान ठीक है प्लानिंग कमीशन मैंने आपको बताई दिया पांच साल का पीरियड रखा गया जिसके लिए प्लानिंग होती थी और वहीं से शुरू हो गए फाइव ईयर प्लान हमारे देश में आज भी इलेक्शन होते हैं पांच साल के बाद होते हैं एनुअल बजट भी आता है बट फाइव ईयर प्लान हम हमेशा से कंसिडर करके चलते हैं फाइव ईयर प्लान्स की अगर हम बात करें तो ये एक टेबल है जो आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो पहला फाइव ईयर प्लान 1951 में आया था याद रखना और 1951 से से 56 56 तक चला। दूसरा 56 से 61 तक चला। चला। दूसरा 61 तो इस तरीके से ये सभी प्लान आते रहे ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है जब यूज आएंगे मैं आपको बता दूंगा आप इसका स्क्रीन ले सकते हो फिलहाल ठीक है ये पूरी टेबल है जो आपको मदद करेगी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लो डन हो गया चलो जी अब हम लोग यहां से हमारा मेजर जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं मेजर चैप्टर क्या है टॉपिक क्या रहा है? से 1991? अब जो planning commission आपने सेटअप करा 1950 में तो प्लानिंग कमीशन डिसीजन मेकिंग करेगा अब डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करेगा क्या माइंड में रहा क्या फीचर्स रहे इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से करी गई वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या मेजर फीचर्स रहे इकोनॉमिक प्लानिंग के सबसे पहला आता है रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर देखो देश नया नया आजाद हुआ है प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरे देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके और अगर प्राइवेट सेक्टर इतना पैसा लगाएगा भी तो भाई वो प्रॉफिट मेकिंग भी करेगा प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सोशल वेलफेयर तो नहीं सोचेगा प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव भी देखेगा तो अगर हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर का रोल अगर बढ़ाएंगे तो देश में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो सोच ये रखी गई कि ज्यादा फोकस ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका रहने वाला है पब्लिक सेक्टर का रहने वाला है तो क्या लिखा है इट वॉज रियलाइज दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न सोशलिस्ट मतलब वही समाज सेवा कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू अ कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर अब हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया बट प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा टाइट पकड़ के अभी इतना फ्रीडम नहीं दिया ज्यादा रोल पब्लिक सेक्टर का ही रखा प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के साथ एक वही प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि वो बिना प्रॉफिट के काम नहीं करेगा तो प्रॉफिट मोटिव एक मेजर चीज रहेगी अब देश नया नया आजाद हुआ है अभी टाइम लगेगा डेवलपमेंट के लिए इसीलिए इतने ज्यादा फ्रीडम प्राइवेट को नहीं दी गई अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट न्यू इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी स्टैब्लिश विदाउट अ लाइसेंस लाइसेंस के बिना आप इंडस्ट्री सेट नहीं कर सकते मतलब ये याद रखना कि उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रही प्राइवेट सेक्टर को अगर कुछ भी सेटअप करना है तो सबसे जरूरी था रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पॉइंट याद रखना उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमने अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश करी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया व स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो छोटी छोटी तो खत्म हो जाएंगी

हमारा जो फोकस रहेगा कि पैसा बचे और इन्वेस्ट हो देश में ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप मैक्रो में भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ के आए हो वहाँ पर भी क्या सिखाया जाता है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी तो अगर देश में डेवलपमेंट चाहिए तो वहां पे यू नीड सेविंग्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट तो सेविंग इन्वेस्टमेंट पे खास ध्यान दिया जा रहा था प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन हमारी इंडस्ट्रीज को बचाया जा रहा था किस चीज से फॉरन कॉम्पिटिशन से सर फॉरन कॉम्पिटिशन कैसा देखो अगर हम आज भी बात करें तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो आप मोबाइल फोन ले लो आप टीवी ले लो आपके घर में आप जितनी भी चीजें देख लो सब इंडिया से बाहर की होंगी कोई भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं होगा अगर होगा भी तो बहुत कम होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर के होंगे तो हमारी इंडियन कंपनीज को ये बाहर वाली कंपनीज तो कॉम्पिटिशन दे रही है उस टाइम पे देश नया नया आजाद हुआ है अगर बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि कम से कम हो अभी हम इंपोर्ट ना करें तो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हर तरीके के इंपोर्ट भी लगाई गई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए कि इंपोर्ट ना हो और हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा सके कंपटीशन से तो क्या लिखा है इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा है आ,

हम डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन का मतलब देश में बनाएंगे आज भी हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया चलता है ना हमारे यहाँ मिशन तो मेड इन इंडिया क्या है कि हम इम्पोर्ट ना करें वही सामान जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो अपने देश में बनाए इस चीज का ध्यान रखना है इट इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड बेसिक आइडिया वॉज टू सेव फॉरन एक्सचेंज पर्पज क्या था एक तो हमारा एक्सचेंज बाहर ना जाए भाई बाहर से कुछ भी खरीदते हो तो पैसा देना पड़ता है ना वो रोकना है और सेल्फ सफिशंसी हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने आत्मनिर्भर भारत है ना इसके बाद क्या आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरन कैपिटल हमने थोड़ा सा कोशिश करी बहुत सारे एक्ट्स के थ्रू कि बाहर से बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना आए और हम अपने देश में ही डेवलपमेंट की तरफ देख सकें क्योंकि अगर बाहर वाले आके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो फिर कंट्रोल कर जाएंगे पूरी मार्केट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दिस वॉज टू मिनिमाइज इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट मतलब हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट पर पूरा कंट्रोल हो जाए फॉरन इन्वेस्टर्स का फॉरन कंपनीज का इसके बाद आता है अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग ये सब हमने जो प्लानिंग करी इस प्लानिंग के थ्रू हम कितना सक्सेसफुल हो पाए या क्या अचीवमेंट्स रहे इस प्लानिंग के किस तरीके से हम लोगों ने अच्छे से चीजें करने की कोशिश करी है तो देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले जो हमने प्लानिंग करी थी वो काफी हद तक सक्सेसफुल रही हमारा नेशनल इनकम बढ़ना शुरू हो गया था हमारा जो नेशनल इनकम है वो ट्वेल्थ प्लान तक 6.8 परसेंट पे आ चुका है जबकि हमारा टारगेट था आठ परसेंट का एटीन नाइनटीन में नेशनल इनकम जो एस्टिमेट करा जा रहा था कि सिक्स तक भी जाएगा तो नेशनल इनकम का मतलब सीधी सीधी बात हो रही है जीडीपी ग्रोथ जीडीपी हम बढ़ता हुआ देख रहे थे जीडीपी इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा है ठीक है दूसरा पर कैपिटा इनकम बढ़ा है पर कैपिटा इनकम क्या होता है पर पर्सन इनकम देखो एक चीज होती है देश की इनकम बढ़ना अगर हम उस इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर पर्सन कितना पैसा कमाया जा रहा है वो आ जाता है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है एक तो ओवरऑल इनकम देख लिया और फिर पर पर्सन देख लिया जैसे मैंने बोला कि सपोज दो फैमिलीज हैं एक में पांच लोग हैं एक में दस लोग हैं दोनों ही फैमिली पाँच सौ कमा है तो एक में पर पर्सन हंड्रेड आएगा एक में पर पर्सन पचास आएगा अगर आप उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम ठीक है वो भी बढ़ रहा था सेविंग भी ग्रो हो रही थी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रही थी देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमने ऊपर देखा था फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों से ही अवेयरनेस बिल्ड हो रहा था और अवेयरनेस बिल्ड होने की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ रहे थे इन रेट ऑफ ऑफ सेविंग वाज 9.5 नेशनल इनकम It to दो से चार चार से आठ आठ से बारह बारह से बत्तीस सोलह अट्ठारह पच्चीस तीस बढ़ती जा रही थी और डाइवर्सिफिकेशन मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नए 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 प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे तो ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा था एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ग्रो हो रहा था एम्प्लॉयमेंट जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.3 परसेंट से 5.6 परसेंट आ गया था तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुआ मतलब प्लानिंग कुछ चीजों में सक्सेसफुल रही और कुछ चीजों में सक्सेसफुल नहीं रही तो अगर आपको आ जाएगी क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के तो हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम बढ़ा नेशनल इनकम बढ़ा सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ा ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला और एम्प्लॉयमेंट उसके बाद कुछ फेलियर्स भी थे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इतनी प्लानिंग करने के बाद भी हम लोग सफल नहीं हो पाए उनको रिमूव करने में जैसे सबसे पहले गरीबी एब्जेक्ट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इमेंस पॉवर्टी हमारे देश में देखने को मिलती है जिसको दूर करने में हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं मतलब बहुत सारी प्लानिंग्स हुई हैं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बट स्टिल पॉवर्टी रिमेन्स द सेम हमारे देश का इंटीग्रल पार्ट हो चुकी है पॉवर्टी इसको दूर करने के लिए यूथ को आप सबको हम सबको मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा और सोचना होगा कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हैं डेवलपमेंट की तरफ सोच सकते हैं ताकि हम पॉवर्टी को हटा सकें तो ये एक फेलियर रहा प्लानिंग का दूसरा इन्फ्लेशन महंगाई हम लोग अपनी प्लानिंग के बाद भी इन्फ्लेशन से टैकल नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन रिमेंस द सेम वैसा ही पॉवर्टी वैसा ही इन्फ्लेशन महंगाई एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारी इकोनॉमी का और इन्फ्लेशन रेट वैसे ही चलता जा रहा है तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी रहेगा ही रहेगा मतलब ऊपर हमने कहा थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ बट अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट बेरोजगारी अभी भी है और जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है जैसा हमारे यहाँ स्तर है स्किल्स कितनी ज्यादा सिखाई जाती है हमें आप सब जानते ही हो अब जब इतनी ज्यादा स्किल्स स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी तो फिर बच्चा तो बेरोजगार रहेगा ही ना ओवर स्किल सिखा रहे हैं समझ रहे हो मेरी बात को ओवर स्किल इतना ज्यादा स्किलफुल बना देते हैं बच्चों को कि बस जॉब्स ही जॉब्स हो जाएगी वाह वाह स्कूल वालों वाह क्या सिस्टम बनाया है किताबें रटते रहो काम तो में कुछ नहीं आएगा बस ये रट लो पॉइंट सारे के सारे तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश का एक मेजर प्रॉब्लम uh, रहा है उसके बाद इनएडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है चाहे हम बात करें पावर रोड्स डैम ब्रिजेस स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स ये अभी तक इनएडिकुएट ही रहे हैं इतने साल हो चुके हैं प्लानिंग के अभी तक भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे लेवल पर अवेलेबल नहीं है अगला सवाल आता है व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान पांच साल प्लानिंग करने की सोची जो प्लानिंग फाइव ईयर बना रहा है वहां से हमारा क्या बेसिक गोल्स है, देखो, सबसे पहला तो यही है कि देश को डेवलप्ड तो बनाने के लिए किन चीजों पे फोकस करना है याद रखो जेम्स जी ई एम एस जेम्स में सबसे पहले ग्रोथ जब भी मैं ग्रोथ बोलूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट जीडीपी ग्रोथ मतलब देश में जीडीपी बढ़ना बहुत जरूरी है प्रोडक्शन बढ़ना बहुत जरूरी है डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है देश में जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा तब तक कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा हर इंडिविजुअल का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम देश की इकोनॉमी में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो वेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ इट इज ऑल अबाउट जी ग्रोथ ई यानी इक्विटी इक्विटी मतलब किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हर सिटी ऑफ द सोसाइटी हर आ, एक तरीके से मेल फीमेल हर एरिया इक्वली डेवलप्ड होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेक्शन तो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है दूसरा सेक्शन डेवलप ही नहीं हो रहा है एक सिटी बहुत ग्रो कर गया एक सिटी बैकवर्ड का बैकवर्ड रह गया तो देयर शुड बी इक्विटी इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी शुड टेक्स प्लेस ठीक है तो ग्रोथ इक्विटी मॉडर्नाइजेशन हमें अपने देश में मॉडर्नाइजेशन देखना है हमें अपने देश में नई नई टेक्नोलॉजी देखनी है हमें अपने देश में नए नए अवतार देखने हैं नई नई चीजें देखनी है तो मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद सेल्फ रिलायंस हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट ना होकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ये हमारे प्लानिंग के चार गोल्स रहे हैं जीडीपी ग्रोथ इक्विटी इक्वल इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस तो जेम्स याद रखना इसके बाद इन्हें अगर डिटेल में देखें तो ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जी डी पी ग्रोथ ठीक है प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ना या फिर सर्विसेज बढ़ना जी, सही है जी ये आप ध्यान से एक बार चेक कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन का मतलब हम लोगों का टेक्नोलॉजी नई-नई आना न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना सोशल आउटलुक समाज का सोचने का तरीका बदलना लोगों का सोचने का नजरिया बदलना ये सब मॉडर्नाइजेशन में आ जाता है उसके बाद सेल्फ रिलायंस हम अपने यहाँ खुद बनाएंगे गुड्स uh, बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे और इक्विटी का मतलब ऑल सिटीजंस ऑफ अवर कंट्री बेसिक नीड्स उनकी पूरी हों जैसे फूड्स क्लोथिंग एक्सेक्ट्रा ठीक है ये हमारे पास चार गोल्स थे ग्रोथ इक्विटी मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस अब हम आ चुके हैं हमारे वही तीन सेक्टर्स के ऊपर दैट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड इन दिनों के बारे में पढ़ेंगे 1950 से 1990 ये पूरा होते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट एग्रीकल्चर के साथ शुरुआत करते हैं फिर ठीक है ना एग्रीकल्चर क्या है हमारे पास आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर देश में लार्जेस्ट सेक्टर रहा है आज भी है इनफैक्ट और हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे नियर अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी तो क्या लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स अप्रॉक्सिमेटी सेवन फिफ्टी की बात हो रही है अब हमारे एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उसमें भी सेम ही क्योंकि जितने भी फीचर्स थे वो सभी प्रॉब्लम्स थी देश में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में हैं और एग्रीकल्चर पूरा का पूरा ही खराब है प्रॉब्लम्स में चल रहा है क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी एग्रीकल्चर में यह आप जानते हो मैक्सिमम जैसे प्रोडक्टिविटी कम थी नॉलेज नहीं था टेक्नोलॉजी नहीं था पैसा नहीं था तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी आउटपुट जितना होना चाहिए था उसके कंपैरेटिवली कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा था उसके बाद डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है एच रहे हैं बहुत ज़्यादा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जिस वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है उसी पर पूरा परिवार काम कर रहा है भले ही नीट चार लोगों की है लेकिन दस लोग लगे हुए हैं तो एक तरीके का इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट है जो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है उसको लग रहा है मेरे पास काम है बट एक्चुअल में नहीं है डिजगाइज तो अनएम्प्लॉयमेंट जब जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो ये एक इंटीग्रल फीचर रहा है हमारे देश का हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल क्योंकि अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज नहीं थी पानी की व्यवस्था नहीं थी तो पानी के लिए हमारा कंट्री मैक्सिमम लेवल पे रेनफॉल पे डिपेंडेंट था अगर रेनफॉल अच्छा हो गया तो फसल भी अच्छी होगी रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो फसल भी अच्छी नहीं होगी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एग्रीकल्चर था वो सबसिस्टेंस लेवल पे ऑपरेट करता था सबसिस्टेंस का मतलब कि हमारे फार्मर्स का आउटलुक ही ऐसा था कि ग्रो करा सिर्फ अपने लिए हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम एग्रीकल्चर से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं जब हम एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब हम अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट से आगे बढ़ सकते हैं ग्रो कर सकते हैं तो उस चीज की बात ही नहीं हुई तो एग्रीकल्चर कमर्शियल ना हो गए सबसिस्टेंस रहा हमारा टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेप्रिशिएटेड रही है पुरानी रही है खराब रही है और लैंड लॉड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से रहा है जमींदारी सिस्टम समझते हैं सब लोग पढ़ाया मैंने आपको लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर में कि लैंड लॉड टीन एट में आपस में हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं लड़ाई झगड़े रहे हैं आपस में कभी बनी ही नहीं जिस वजह से एग्रीकल्चर ने स्ट्रगल करा एग्रीकल्चर कभी ग्रो नहीं कर पाया तो ये सब हम फीचर्स में लिख सकते हैं और प्रॉब्लम्स में भी यही आ जाएगा अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी प्रॉब्लम्स हैं बट स्टिल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए क्यों है क्योंकि नंबर वन कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी जब इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो जी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना तो सबसे पहले हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी इट ऑफन रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारी वर्किंग पॉपुलेशन में पचास प्रतिशत से ज़्यादा लोग फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर है डिजगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी है बहुत सारे लोगों को काम यहीं से मिल रहा है तो हमारे देश में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसके बाद रॉ मटेरियल सारा का सारा जितना भी देश में जाता है वो रॉ मटेरियल सारा कहाँ से आता है सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है मेनली सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है इसके बाद इंडस्ट्रीज़ को जो प्रोडक्ट्स चाहिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर है है ना इंडस्ट्रीज़ की जो गुड्स हैं भाई इंडस्ट्रीज अगर बड़ी बड़े ट्रैक्टर बना रही हैं थ्रेशर बना रही है हार्वेस्टर बना रही है तो वो कौन मांग मांग रहा है एग्रीकल्चर ले रहा है उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को जो फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए वो कहाँ से आ रही है एग्रीकल्चर से आ रही है इंडस्ट्रीज़ को तो दोनों ही सेक्टर एक से दूसरे के साथ को रिलेटेड है और एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं जैसे टी जूट कैश्यू टोबैको कॉफी स्पाइसेस तो देश के एक्सपोर्ट्स में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके बाद हम बात करते हैं अगर प्रॉब्लम्स की तो प्रॉब्लम्स आप खुद से फीचर्स में से निकाल सकते हो वही सारी प्रॉब्लम्स आप दोबारा लिख सकते हो इसका आप स्क्रीन लो और रीडिंग लगा लेना एक वही परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन पानी की व्यवस्था नहीं है पैसे की प्रॉब्लम है जो लैंड होल्डिंग्स हैं जो जमीन है वो छोटी छोटी और बहुत बिखरी हुई ज़मीनें हैं मतलब अगर मैं किसान हूं तो मेरी एक छोटी सी लैंड यहाँ है एक पांच किलोमीटर दूर है एक दस किलोमीटर दूर है ऐसे हैं मेरे पास एक बड़ा प्लॉट नहीं है अगर बड़ा प्लॉट होगा तो मैं एक ही साथ फार्मिंग कर लूंगा ना अभी मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ अच्छे से फार्मिंग क्योंकि एक तो मेरी लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है और स्कैटर्ड है इसके बाद ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं है अगर मैंने किसी तरीके से प्रोडक्शन कर भी ली तो मैं उसको बेचू कैसे

कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए मेनली तीन प्रकार के रिफॉर्म्स आए एक है टेक्निकल रिफॉर्म्स एक है लैंड रिफॉर्म्स और एक है हमारे पास जनरल रिफॉर्म्स तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बेटा जी तीन प्रकार के रिफॉर्म्स हैं जो हमारे देश में आए याद करो टेक्निकल रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स जनरल रिफॉर्म्स सबसे पहले बात करता हूं मैं टेक्निकल रिफॉर्म्स की तो अगर मैं टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करूं इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी में चेंज होना टेक्नोलॉजी में भरपूर मात्रा में चेंजेस आना यहाँ से हम टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी सीड्स यूज कर रहे हैं वो अच्छे तरीके के होंगे जितने भी मशीनरी यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न होंगी जितने भी टेक्नोलॉजी फार्म प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं वो भी अच्छी होंगी तो टेक्नोलॉजी में बदलाव वो सब टेक्निकल रिफॉर्म्स में आ जाता है जैसे यूज ऑफ हाई इंडिंग वेराइटी सीड्स हम लोग नॉर्मल सीड्स ना यूज करते हुए कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले सीड्स वीट के लिए बाजरा के लिए राइस के लिए मेज के लिए जवार के लिए कॉटन के लिए हम यूज करेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करे गए मतलब काफी सारे फर्टिलाइजर्स यूज करे गए ताकि फर्टाइल हो सके लैंड और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सके देखो हर चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं तो इसके डिमेरिट्स भी हैं जो हम अभी पढ़ेंगे बट फिलहाल यूज करे जा रहे थे एज अ न्यू टेक्नोलॉजी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करे गए इंसेक्ट्स और पेस्ट दो ऐसी चीजें हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं इंसेक्ट्स आपके लिए क्लियरली विजिबल होते हैं पेस्ट छोटे छोटे येलो येल्लो हो जाते हैं और उसके ऊपर फसल के ऊपर पूरी फसल खराब कर देते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करा गया उसके बाद साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस फार्म मैनेजमेंट की जमीन के ऊपर साइंटिफिक करी गई क्योंकि हम सिंगल क्रॉपिंग ना करके मल्टी क्रॉपिंग कर रहे थे तो उसके लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज भी चाहिए अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस भी चाहिए तो टेक्निक ऑफ फार्मिंग चेंज करा गया और साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करी गई देन वी हैव लैंड रिफॉर्म्स जमीन के ऊपर जमीनी स्तर पे लैंड बेसिस पे क्या रिफॉर्म्स लाए गए सबसे पहला रिफॉर्म था इंटरमीडियरी खत्म करे गए यानी ये मेक श्योर sure करा गया कि जिसकी जमीन है वो खुद खेती करे इंटरमीडियरी वो जो गवर्नमेंट लैंड लॉर्ड और टीन के बीच का एक रिश्ता बना हुआ था ना वो खत्म करा गया इंटरमीडियरी कोई नहीं होगा फार्मर खुद अपनी खेती करे किसान अपनी खुद खेती करे अपनी जमीन पे इंटरमीडियरी बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टेलर ऑफ द सॉइल पॉपुलरली नोन एज जमींदार है पूरा अच्छे से तो खत्म नहीं हो पाया ड्रॉबैक रहा बट कोशिश करी गई कि जमींदार्स खत्म हो जाए रेगुलेशन ऑफ रेंट जो रेंट था जो एक्सेसिव Illegal, गलत तरीके से रेंट वसूला जाता था किसानों से वो खत्म करा गया rules regulations बनाए गए, और ये कहा गया कि जो रेंट हो सकता है अगर आपको लेना ही है है, से, farmers से, तो वो maximum one -third of the value of crops हो सकता है. मतलब जितना भी आप क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वन थर्ड हो सकता है मैक्सिमम अगर नाइन्टी रुपीज की क्रॉप है तो उसका वन थर्ड यानी थर्टी रुपीज मैक्सिमम रेंट हो सकता है Then, consolidation of consolidation of का क्या मतलब होता है कि जो अभी मैंने आपको ऊपर पड़ा ना स्कैटर्ड होल्डिंग्स दूर 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 बिखरी हुई होल्डिंग्स थी दूर दूर जमीने थी उनको कॉन्सॉलिडेट करा गया उनको एक साथ लेके आया गया तो होल्डिंग्स को स्कैटर्ड से कॉन्सॉलिडेटेड बनाया गया उसके बाद सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स लैंड होल्डिंग्स के ऊपर सीलिंग्स लगाई गई सीलिंग्स का मतलब फिक्स रखा गया सो so दैट जो हमारा चार चार मेजर गोल्स थे ग्रोथ इक्विटी मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस और जो इक्विटी वाला गोल है इक्विटी का मतलब क्या था इक्विटी का मतलब कि सबको एक समान फायदा मिले सबको एक समान मौका मिले तो अगर एक के पास बहुत ज्यादा जमीन होगी एक के पास बहुत कम तो इक्विटी तो नहीं है ना इसलिए सीलिंग लगाई गई कि आप एक मैक्सिमम इतनी जमीन रख सकते हो इससे ज्यादा नहीं तो सीलिंग्स ताकि इक्विटी जनरेट हो पाए विद अ व्यू टू प्रमोट इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सीलिंग हैज बीन सीलिंग का मतलब होता है लिमिट ठीक है अब जनरल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल रिफॉर्म्स में कुछ जनरल चीज़ें लेके आई गई सर जनरल चीजें जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी करी गई पानी की व्यवस्था प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बहुत सारी क्रेडिट सोसाइटीज बहुत सारे बैंक स्टैब्लिश करे गए ताकि किसानों तक पैसा पहुंचाया जा सके क्रेडिट पहुंचाया जा सके रेगुलेटेड मार्केट्स कुछ अच्छी मार्केट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए कि मार्केट में किस तरीके से सिस्टम चलेगा कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाई गई कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का मतलब हो गया कि हमारी जो आ, किसान इंडिविजुअल ना बेच के ग्रुप में सेल करे अपनी फसल को क्योंकि अगर अकेला अकेला बेचता था तो किसान आपस में ही लड़ रहा था और जब ऐसा ग्रुप सेल करेंगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा तो इसलिए कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई प्राइस सपोर्ट पॉलिसी आप सब जानते हो एम किसानों को कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया कि आपकी फसल कम से कम इतने की हम खरीद लेंगे अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो ये सरकार मेक श्योर sure कर रही थी तो तीन तरीके के रिफॉर्म्स टेक्निकल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स जनरल लैंड ये अच्छे से लर्न कर लेना पेपर में पक्का आ रहे इसके बाद हमारे पास आता है ऊपर रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास याद रखना दो फेसेस में आया पहला फेस मिड सिक्सटीज में यानी सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स में आया उस सिनारियो में वहां पे कन्वेंशनल सीड्स छोड़ के एच वाई वी हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रमोट करा गया सो so दैट अच्छी प्रोडक्टिविटी हो पाए अच्छी फसल हो पाए और ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हो पाए तो क्या लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ एच सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन की क्यों जरूरत थी क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंडेंट था और प्रोडक्टिविटी काफी कम थी ठीक है अब इसको दूर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया गया जिसमें हम नॉर्मल सीड्स को छोड़ के एच सीड्स यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी हो पाएगी ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने सरकार को इनेबल करा कि हम लोग अब इतना स्टॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशेंट हो सकते हैं ठीक है उसके बाद जो लो इनकम लेवल ग्रुप्स हैं जो एक लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम फूड पे लगाते थे उनको फायदा हुआ क्योंकि जब मार्केट में सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी मार्केट में जब प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो थोड़ा सा प्राइस कम मिल जाएगा तो लो इनकम लेवल ग्रुप को भी खाना अब सस्ते रेट्स पे मिल रहा था उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स जब हम यूज कर रहे थे तो उससे हमें फेलोइंग करने की जरूरत नहीं है फेलोइंग का क्या मतलब होता है देखो जब एक फसल ग्रो हो जाती है तो वो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है मतलब कि जमीन की फर्टिलिटी सारी खत्म हो जाती है जब एक फसल ग्रो हो जाती है तो एक टाइम के बाद एक फसल के बाद जमीन को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बंजर छोड़ा जाता है बैरन छोड़ा जाता है सो so दैट वो अपनी फर्टिलिटी वापस से ला पाए उसको हम फेलोइंग बोलते हैं तो फेलोइंग को खत्म करा गया आ, क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो फेलोइंग की नीड ही नहीं दिख रही थी अब उसके बाद एक चेंज आया फार्मर की सोच में फार्मर के आउटलुक में फार्मिंग अब सबसिस्टेंस ना होके फार्मर भी कमर्शियल तरीके से देख रहे थे कि हम फार्मिंग से पैसा भी कमा सकते हैं ठीक है जी ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स आ गए ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ रिस्क थे कुछ लिमिटेशन थे सबसे पहला जो रिस्क था वो ये था कि एक तो पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता था कीड़े काफी ज्यादा लगते थे पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता था मतलब जब भी आप एच वाई वी सीड्स यूज करोगे तो ज्यादा पानी चाहिए तो हर किसी के पास तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तीसरी चीज़ इसके अंदर एक क्रिएट हो गई इनक्वालिटी क्योंकि ये जो सीड्स थे ये महंगे थे एक नॉर्मल किसान इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था तो महंगे सीड्स अनअफोर्डेबल रहे गरीब किसानों के लिए तो अमीर जो पहले से ही अमीर है उसने खरीदा और प्रोडक्टिविटी और बढ़ा ली और पैसा कमाया तो अमीर और अमीर होता चला गया गरीब और गरीब होता चला गया तो तीन प्रॉब्लम्स हैं पेस्ट अटैक इंक्रीज इन इनकम इनिक्वालिटीज और इरिगेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम रही है लिमिटेशन ये रही कि ये सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस तक रहा और ग्रीन रेवल्यूशन पूरे इंडिया में नहीं हुआ कुछ सेलेक्टिव स्टेट्स में हुआ ठीक है जैसे कि पंजाब में हुआ हरियाणा में हुआ लेकिन ईस्टर्न यूपी में बिहार में मध्य प्रदेश में इसका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया इसने बेनिफिट करा सिर्फ रिच फार्मर्स को छोटे फार्मर्स को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ और पानी बहुत ज़्यादा यूज होता था मैंने आपको बताया तो वाटर लेवल भी काफी नीचे चला गया था एच सीड्स की यूज़ की वजह से ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर मुझे उम्मीद है आप लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में चीज़ें समझ आई होंगी अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है जी आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो इंडस्ट्रीज चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो बिना इंडस्ट्री के भी कोई भी देश नहीं चल सकता तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है तो क्या लिखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द बिल्डिंग एंड ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रीज विद इन एन इकोनमी इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन और बहुत सारी सर्विसेज आती हैं अब अगर हम बात करें हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तो आपको मैंने ऊपर बता दिया था कि मेजर रोल कौन निभाएगा पब्लिक सेक्टर निभाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उस टाइम पे सिर्फ टाटा और बिरला दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अवेलेबल थी बाकी सिर्फ जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वही मेजर रोल निभाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में तो पब्लिक एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेंटर रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो फोकस था याद रखना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बेसिकली आत्म निर्भर निर्भर कैसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे क्या मुझे नहीं पता आप मुझे बता देना अगर मैंने गलती करी हो तो हिंदी थोड़ी सी याद नहीं रहता क्योंकि हम लिखते नहीं हैं कॉमनली तो मिस हो जाता है तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब हम इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जाएगा कैसे बचाएंगे एक तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे और इंपोर्ट कोटाज कोटाज का मतलब होता है सीलिंग्स लिमिट्स लगाएंगे यानी क्वांटिटी पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन कितना इंपोर्ट कर सकते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे भी फोकस किया जा रहा था तो ये इंडस्ट्री के बारे में आ जाता है उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल निभाना शुरू करा देश डेवलपमेंट की तरफ चल रहा था देश आज़ाद हुआ था नया नया तो पुश मिला इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा बढ़ने लगा भाई देश में डिमांड बढ़ेगी ना इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखने को मिली ठीक है और हम ग्रोथ विद सोशल जस्टिस तक पहुंच रहे थे ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न जो था इकोनॉमी में उसने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट दिखाया था और हम सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे यानी ग्रोथ भी हो रही थी और एक सोशल वेलफेयर भी हो रहा था डी की अगर हम बात करें तो डी तो आप सब जानते ही हो सब कुछ अगर पब्लिक सेक्टर निभाएगा तो उसके अंदर कंपटीशन ना होने के कारण बहुत सारा करप्शन देखने को मिल रहा था लाइसेंसिंग की जब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी प्राइवेट ऑन्टरप्रन को इंडस्ट्री लगानी थी तो उसको लाइसेंस लेना था वो लाइसेंस नहीं मिल रहे थे जल्दी से आपने पढ़ा भी होगा करप्शन अंडर द लाइसेंस राज बहुत ज्यादा करप्शन रहा हर लाइसेंस के लिए बहुत पैसा वसूल किया जाता था सोशल डेड वेट बन चुकी थी हमारे लिए बहुत सारी पब्लिक इंडस्ट्रीज हमारे लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक इंडस्ट्रीज को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही थी तो प्राइवेट सेक्टर की अब नीड नजर आ रही थी सरकार को ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जरूरी है क्योंकि मोनोपोली हो चुकी थी ना कोई कॉम्पिटिशन था नहीं एक डेड सोशल मतलब हमारे ऊपर हमारे लिए इन एफिशियंट पॉलिसी बन गई थी बहुत ज्यादा हमें मदद नहीं कर पा रही थी ये पॉलिसी ठीक है जी उसके बाद रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर ने क्या रोल निभाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या क्या कारण थे पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल क्यों दिया गया था सबसे बड़ी बात शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जितना पैसा चाहिए जितनी कैपिटल चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर के पास अवेलेबल ही नहीं थी और अगर थी भी तो प्राइवेट सेक्टर बिना प्रॉफिट के तो काम नहीं करेगा ना है ना लेक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगता था यार हमें प्रॉफिट तो मिल ही नहीं रहा ना गवर्नमेंट चाह रही है कि हम सोशल वेलफेयर के साथ काम करें सोशल वेलफेयर 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 सोशल सोशल बिना प्रॉफिट के काम नहीं हो रहा था उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर सरकार चाहती थी सोशल वेलफेयर हो तो वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था इंसेंटिव नहीं था प्राइवेट सेक्टर के लिए और सोशल वेलफेयर का जो मोटिव था वो प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वेरी 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 इंपॉर्टेंट 100 परसेंट आपके एग्जाम में आ रहा होगा ये टॉपिक तो इसको बड़े ध्यान से प्रिपेयर कर लेना देखो हमने अभी पढ़ा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिना इंसेंटिव के काम नहीं करेगा तो इंडस्ट्री में गवर्नमेंट क्या करे गवर्नमेंट सबसे पहले एक इंडस्ट्री के लिए रेजोल्यूशन लेके आया था जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 याद रखना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन नाइनटीन लेकिन वो थोड़ा सा फेल हो गया पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी तो उसको रिवाइज करके नया आईपीआर आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि पहला आईपीआर तो याद रखना 1948 दूसरा आईपीआर 1956 ठीक है अब आईपीआर 1956 क्या था आईपीआर क्लियर और लाउड डिक्लेरेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियर और लाउड डिक्लेरेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दैट वी विल बी प्लेइंग द लीडिंग रोल हम लीडिंग रोल निभाएंगे इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मेजर रोल हम निभाएंगे देश की इंडस्ट्री को ग्रो करने में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हम देश की सभी इंडस्ट्रीज को तीन सेगमेंट्स में बांट देंगे एक रखेंगे शेड्यूल वन एक रखेंगे शेड्यूल टू एक रखेंगे शेड्यूल थ्री शेड्यूल वन में हम कुछ इंडस्ट्रीज रखेंगे टू तो बी प्रिसाइज सेवनटीन इंडस्ट्रीज रखेंगे जो कि कंप्लीटली सरकार के अंडर आएंगी पूरी की पूरी सरकार के अंडर होंगी शेड्यूल सेकेंड में हम लोग 12 इंडस्ट्रीज रखेंगे जिसमें दोनों मिलके काम करेंगे पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी लेकिन मेजर रोल गवर्नमेंट निभाएगी मेजर रोल ज्यादातर रोल गवर्नमेंट निभाएगी प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ सपोर्टिंग रोल होगा शेड्यूल थ्री में हम बची हुई इंडस्ट्रीज रखेंगे यानी सत्रह पहले में सरकार ने कब्जे में कर ली बारह भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने कर ली क्योंकि मेजर रोल गवर्नमेंट ने निभा रहा था

शेड्यूल सी में बची हुई इंडस्ट्रीज जो कि सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएंगी उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मैंने आपको बता ही दिया कि अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है तो हर चीज के लिए लाइसेंस लेना होगा अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तब भी लाइसेंस लो एक्सपेंशन करना है तो भी लाइसेंस लो डाइवर्सिफिकेशन करना है तो भी लाइसेंस लो इंडस्ट्रियल कंसेशन प्राइवेट ऑन्टरप्रनोर्स को जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे जहां पर इंडस्ट्रीज की जरूरत थी वहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए कंसेशन दिए गए बेनिफिट्स दिए गए कि आप इन पर्टिकुलर रीजन्स में अगर इंडस्ट्री लगाते हो तो हम आपको बेनिफिट्स देंगे जैसे कन्सेन्स दे देंगे टैक्स पे कंसेशन दे देंगे वाटर सप्लाई पे कंसेशन दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी पे ये सब बेनिफिट्स दिए गए थे अब आता है जी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आप जानते ही हो कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आपको रिटर्न परमिशन चाहिए होगी गवर्नमेंट से चाहे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो चाहे एक्सपेंशन कर रहे हो चाहे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो हर तरीके से लाइसेंस की ज़रूरत होगी ठीक है जी ये आप एक बार रीडिंग लगा लेना इसको रीड लगा के फिर आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं जी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखो साफ साफ लिखा हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट्स में वो एक करोड़ से ऊपर नहीं है यानी वो सभी इंडस्ट्रीज जिसमें जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो एक करोड़ से कम है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दो इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड रेंटरिंग ऑफ सर्विसेज आर डन ऑन स्मॉल और माइक्रो बेसिस दीज इंडस्ट्री में का वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी प्लांट एंड इंडस्ट्रीज बट इट डज नॉट एक्सीड रुपीज वन करोड़ पहले ये जो सीलिंग थी ये 25 लाख रुपए थी पहले हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्री को बोलते थे जिसमें ये इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक थी बाद में इसे बढ़ा के एक करोड़ करा गया तो अब देश में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज यही हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं हमारे लिए क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ा के देती हैं एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है बहुत सारे लोगों को वेलफेयर होता है बहुत सारे लोगों का तो ये इंडस्ट्रीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल ही हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट में अब हमारे पास आ रहा है आखिरी सेक्टर इस चैप्टर में चैप्टर बस अंतिम सांसें ले रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड हमने एग्रीकल्चर पढ़ा हमने इंडस्ट्री पढ़ा अब हम बात करेंगे हमारे फॉरेन ट्रेड की फॉरेन ट्रेड का मतलब कि हम कितना व्यापार करते हैं कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो अगर बात करें फॉरेन ट्रेड की तो एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स अगर हम बात करें हमारे फॉरेन ट्रेड की तो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं देखो सबसे पहले नंबर वन डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे डिक्लाइन क्यों हो रहे थे क्योंकि हमारे देश में काफी डिमांड हो रही थी हमारे देश में बहुत डिमांड हो रही थी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे इंप्लाई कर रहे थे प्लस पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी तो देश में काफी डिमांड थी इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सब्सटेंशियल राइज हुआ पॉपुलेशन में उससे भी डोमेस्टिक कंजम्पन काफी ज्यादा बढ़ा डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स कन्वेंशनल आइटम्स जैसे कि जूट टी फूड ग्रेन्स मिनरल्स ये आइटम्स हमारा एक्सपोर्ट होता था बल्क एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बट वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा क्योंकि देश में बहुत इनकी डिमांड होने लगी इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट्स में काफी बढ़े हैं मतलब कि बहुत सारी चीजें हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे हमारे देश में जो हमारे एक्सपोर्ट में परसेंटेज बढ़ रही थी धीरे धीरे डेवलप होती जा रही थी नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पक्का पूछा जाएगा दैट इज इंपोर्ट और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड इंपोर्ट या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटीजी क्या होता है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब यह होता है कि हम जितनी भी चीजें पहले इंपोर्ट कर रहे थे वो हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे फॉरन ट्रेड में गवर्नमेंट ने इन चालीस सालों में ये पॉलिसी फेस करी है फॉलो करिए

उसके साथ साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा हम सेल्फ रिलायंट भी होंगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसके अंदर थे सरकार बचाना चाहती थी फॉरेन एक्सचेंज को और फोकस कर रही थी कि हम इंपोर्ट को जितना हो सके रोकें और हमारे देश में बनाए सब कुछ इसके बाद क्या आता है क्या क्या फ़ायदे हुए इसके डाइवर्सिफिकेशन हुआ काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिला काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स देखने को मिले और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा देश में पैसा लगा देश ग्रो करने लगा उसके साथ बैड इम्पैक्ट्स क्या है बहुत सारी इनएफिशियट पब्लिक मोनोपोलीज बन गई पब्लिक मोनोपोली इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर की सरकारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई जो इतनी एफिशिएंट नहीं है बट क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है तो वो काम कर ही नहीं रहे बस वैसे ही है चल रहा है कोई कंपटीशन तो है नहीं बाहर से कोई कंपनी तो कंपीट कर नहीं रही तो कोई ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहा उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं है तो वही बस पुराने तरीके से ही चलते जा रहा है सिस्टम कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही क्या है, गए. क्या है? Quantity deals, quantity हम भी लगाएंगे और अगर आप तब भी इंपोर्ट करोगे तो एक इतना ही क्वांटिटी में कर सकते हो इससे ज्यादा नहीं कर सकते ठीक है रीजंस क्या थे इंपोर्ट सब्सटिट्यूशन के आपको पता ही है एक तो फॉरेन एक्सचेंज बचाना दूसरा कंपटीशन से बचाना इसके बाद बेटा जी हमारे पास लास्ट आता है का मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या क्या हुआ है 1950 से 1990 में इसको आप एक बार कर लेना और रीड करने के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर टू वन शॉट में खत्म हो जाता है चालीस पचास मिनट का वीडियो हो गया होगा बट उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा टू एक्स पे देख लो बहुत अच्छे से हो जाएगा और सारा रिवाइज हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर थ्री और उसको भी कंप्लीट करेंगे थैंक यू सो मच एवरी वन सी ऑल सुपर सून टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग